नमस्कार, मैं मंजू मिश्रा, मंजू रेसिपी परिवार में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नई रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमने एक कटोरी सूजी लिए हैं, एक कटोरी दही, एक मीडियम साइज़ का आलू, बॉयल किया हुआ आलू है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे हम इस तरह से बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, उसे भी हम बारीक काट लिए हैं, दो हरी मिर्च, उसे भी हम बारीक काट लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर के उसे इस तरह से हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट लिए हैं, और आधा छोटा चम्मच जीरा, नमक और आवश्यकता अनुसार तेल। सबसे पहले एक बड़ा बॉल में सूजी को डाल देते हैं और इसमें हम दही को भी डाल देते हैं और इन सभी दोनों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे लगभग 10-15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग 10-15 मिनट हो गया। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। सूजी भी अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसमें हम जो बॉयल किया आलू था उसे हम इस तरह से क्रश कर लिए हैं, उसे हम इस पर डाल देते हैं, साथ में प्याज, जीरा, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को डाल करके इसमें स्वाद अनुसार नमक को डाल देते हैं और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हाथ में थोड़ा सा हम तेल को लगा लेते हैं और इसमें से छोटा छोटा लोई को निकाल करके इस तरह से कटलेट का शेप दे देते हैं और बाकी बचा है उसे भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। इस तरह से सभी को बना लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में तेल को डाल दिए हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक सूजी का कटलेट को डाल देते हैं और गैस का फ्लेम को अभी हम मीडियम कर देते हैं और इसे हम दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं। एक तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसे हम पलट देते हैं। और इधर से भी हम इसे अच्छी तरह से तल, इस तरह दोनों तरफ से अच्छी तरह से तला गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बचा जो है उसे भी हम अच्छी तरह से तल लेते हैं। सूजी का कटलेट को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।